बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते थे। इस संघर्ष में देवता कमजोर पड़ने लगे और उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता हुई। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं को एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, अमृत और विष निकले। विष इतना भयानक था कि उससे संसार का नाश हो सकता था। देवताओं ने भगवान शिव से इसे बचाने की प्रार्थना की। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी की आराधना की और उन्हें जल चढ़ाया, लेकिन शिवजी का कंठ ठंडा नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने बेलपत्र की उत्पत्ति की, जो शिवजी को अत्यंत प्रिय था। देवताओं ने बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया, जिससे उनका कंठ ठंडा हो गया और विष का प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह बेलपत्र की उत्पत्ति हुई और इसे शिवजी की पूजा में सर्वोच्च स्थान मिला। आज भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा मिलती है।